आपने अक्सर सुना होगा हमारे जितने भी उपग्रह होते हैं यानी जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाता है। PSLV के बारे में अक्सर आप पढ़ते रहते हैं, जब भी इसरो की सफलता की कोई कहानी आती है तो PSLV उसमें ज़रूर होता है। ठीक इसी तरह एसएल ग्रुप में भी हमारा खुद का एक लॉन्च व्हीकल है और उस लॉन्च व्हीकल का नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जिन्हें हम DSC भी कहते हैं। वैसे PSLV की तर्ज पर आप उन्हें DSLV भी कह सकते हैं। जिस तरह PSLV किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाता है, ठीक उसी तरह DSC ने भी एसएल ग्रुप को कामयाबी की एक नई ऑर्बिट में पहुंचाया है। एसएल ग्रुप आज जहां है उनके पीछे उन्हीं का विजन है, उन्हीं का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आमंत्रित करता हूं। वैसे तो वो टेलीविज़न पर हर हफ्ते DSC शो करते हैं जहां वो युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सफलता के फॉर्मूले बताते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा वो अपनी सफलताओं के बारे में तो बताएं ही, और क्योंकि वो अपनी असफलताओं के बारे में भी बताने से कभी हिचकते नहीं तो आज वो उनके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें। मंच पर आसीन भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, मेरे पूज्य पिताजी, आज यहाँ उपस्थित भारत सरकार के सभी मान्यगण, मंत्रीगण, मेरे साथी सांसदगण, अलग अलग राज्यों से आए हुए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी, भारत एवं राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के मेरे मार्गदर्शक साथियों, कला साहित्य संस्कृति क्षेत्र से उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया जगत के मेरे प्रिय साथियों, हमारे ग्रुप के 90 वर्ष के उत्सव में पूर्ण होने पर आए सभी धर्माचार्यों को मेरा और मेरे परिवार के ओर से सादर प्रणाम, चरण वंदना। एसएल ग्रुप को बढ़ाने में जो लगे सभी एसएलआइट्स, मेरे पुजार परिवार के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं अगली पीढ़ी के युवकों, आप सभी को अभिनंदन, प्रणाम एवं शुभेच्छा। आज मुझे इस बात का आभास है कि महामहिम राष्ट्रपति की कितनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आज हमको आशीर्वाद देने के लिए आना स्वीकार किया। इस सब के लिए हम अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। मैंने 1980 से लेकर अब तक लगभग देश के सभी प्रधानमंत्रियों से किसी न किसी कारणवश संपर्क में आया और रहा, परंतु आपके कार्यभार संभालने से पहले दिल्ली में यदि किसी 5 सितारा होटल में आप बैठें और 1 घंटा में यदि आपको 20 लोग मिलें तो उसमें से हर चौथा पांचवा व्यक्ति ये कहता था पहले कि मैं प्रधानमंत्री जी से आधा घंटा मिल के आया हूँ या उनसे अभी बात करके आया हूँ। इस प्रकार का माहौल इस दिल्ली शहर में था। लेकिन विचित्र बात आज ये है कि आज हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं मोदी जी के संपर्क में हूँ। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है। कोई मंत्र कभी आपसे सीखने को मिलेगा तो कुछ सीखेंगे, कैसे इतने बड़े लोगों को आप कैसे संपर्क में रख सकते हैं या रख रहे हैं। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को कभी कभी मन में आशंका और ये होती है कि मैं आपको फ़ोन भी ना करूं, क्योंकि जो व्यक्ति 14 से 16 घंटे काम करता हो और केवल देश की और समाज की हित की बात करता हो और एक सेवक की तरह से लगा हो, तो मुझे लगता है कि क्यों हम उनके 2-3 मिनट भी फ़ोन पर लें।
पर आज आपने एसएल समूह एवं मेरे परिवार के कार्यक्रम में आए और जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो आपने बहुत प्यार से इसे स्वीकार किया और इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और साथ में देशवासियों से प्रार्थना मांगता हूं कि मैंने उनका समय छीना। आज बात भले ही मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे आवाज़ हमारे साथ काम करने वाले 40,000 एसएलआईट्स की है, 172 देशों में फैले हमारे 120 करोड़ दर्शक और भारत में अलग अलग सेवाओं हमारे ग्रुप से लेने वाले 5 करोड़ ग्राहक और B2B सेगमेंट में सैकड़ों क्लाइंट संस्थान, 6.5 लाख शेयर होल्डर और देश विदेश के सब शुभचिंतकों की आवाज़ है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी ने अपने प्रवचन में हमको आशीर्वाद दिया, उसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और स्मृति जी ने भी जो हमको अच्छे वचन अच्छे बात हमारे लिए किए, उनका भी मैं आभारी हूँ। बहुत बार बहुत लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हम तो सोचते थे कि एसएल ग्रुप 30 या 40 वर्ष पुराना ही केवल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो हो सकता है कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मेरी पीढ़ी ने इस की बागडोर संभाली, इस संस्था की कमान संभाली, तब हम आर्थिक दृष्टि से बहुत धरातल पर थे, पर सबके आशीर्वाद से हम आज सामाजिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से इस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज उसमें हमारी मेहनत के अलावा यहाँ पर सभी आप जो उपस्थित साथी हैं और कई लोग नहीं आ सके हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग दिया। मैं और मेरा परिवार आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। इस समय में जब आपसे बात कर रहा हूँ, आपने देखा कि हमारी पांचवी पीढ़ी इस काम को संभाल रही है और जो मेरी चौथी पीढ़ी जिसने काम किया हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा और उसमें गति लाते हुए आगे बढ़ा रही है, और मुझे विश्वास है कि अगली छठी पीढ़ी भी यदि हम ठीक से उनको संस्कार देकर तैयार कर सके तो वो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएगी। और जो उतार चढ़ाव हमने अपने लाइफ में लगभग 5 बार देखे, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको वो ना देखने को मिलें, और यदि उनको मिलें भी तो बिना घबराए उससे कुछ न कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। इस देश में हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट एज ए पायनियर पहली बार किए और उनको सफल बनाया, तो उसके पीछे मेरे दादा स्वर्गीय जगन्नाथ जी गोयनका की जो सीख थी, एक तो ये कि मुश्किलों से नहीं डरना और दूसरा कि अपने वचन और ईमानदारी पर कायम रखना रहना, ये बहुत बड़े कारण रहे। इस वजह से हम 9 में से 6 प्रोजेक्ट्स को कामयाब कर सके। जी मीडिया तो केवल उसमें से 6 में से एक है। आपने देखा आज हमारी 90 वर्ष की यात्रा अच्छी भी थी, चुनौतियों से भरी हुई भी थी, पर मैं आपको आज कहना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और आप सबको कि पिछले कुछ वर्षों से हमने जो भी नए काम शुरू किए हैं उनमें सब में प्रॉफिट तो होना चाहिए, ये भावना तो है, लेकिन साथ में देश और समाज के हित भी इसमें समाहित रहे, इसका ध्यान सभी परिकल्पनाओं में हमने रखा है।
चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भाग लेना हो, चाहे पावर सेक्टर में लास्ट माइल में वितरण के जो चैलेंजेस हैं, हमने उन चैलेंजेस को भी चैलेंज करने में कभी घबराहट नहीं महसूस की। सरकार पूरी तरह से पावर सेक्टर में ईमानदारी से प्रयासरत है, पर फिर भी जो ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक चेतना इसमें जो जागृत नहीं है, उसको करने की आवश्यकता है। इसी का कारण है कि आज भी ज़मीनी स्तर पर बिजली की चोरी रोकने पर अभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं बनी है। इस दिशा में हमने कुछ शहरों में काम किया है और आज मुझे खुशी है यहाँ आप सबको ये कहते हुए कि बिहार जैसे प्रांत में, एक मुजफ्फरपुर शहर में, जहाँ 38% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होते थे, उसको हम सिंगल डिजिट के करीब लाते हुए 24 घंटे वहाँ बिजली दे रहे हैं। और उस शहर के आसपास के 1200 गाँव में जो 70% लॉस होता था, उसको अभी 30% पर ला सके हैं और सेवाओं में बेहतरी भी कर सके हैं। बिजली वितरण के इस उपक्रम को हमारे को आशा है कि अगले 10 वर्षों में हम कम से कम 50 शहरों में और इन 50 शहरों के आसपास लगभग 20,000 से 25,000 गाँव में इसे ले जाएंगे, ताकि उपभोक्ता को अच्छी सेवा मिले और लॉसेस में कटौती हो। आने वाले समय में हम सबको विदित है कि पानी एक बड़ी समस्या बनने वाला है, देश में नहीं पूरे विश्व में। इसको हमने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में हम 18 से 24 महीनों में ना कि 24 घंटे पानी दे सकेंगे, पर बिना किसी कंज्यूमर को ऊपर बर्डन डाले दे सकेंगे। पर आज अभी एक ही और दूसरा शहर है, जहां नागपुर, जहां नितिन जी गडकरी ने अपनी मेहनत से, सतत प्रयास से ये संभव कर पाए हैं। और अगर पानी का हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो मुझे विश्वास है कि देश के और भी शहर अपने यहाँ ऐसी योजना को कारगर साबित कर सकेंगे। चौथा विषय, हमारे देश में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था। पिछले 10-12 वर्षों में उसको कई कंपनियों ने प्रयास किया कि उसको उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करें या किसी और में करें, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और मुझे ये आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हमने वेस्ट टू एनर्जी का एक उद्यम बड़ा सफल किया। वहाँ पर कोई भी प्रदूषण फैलाए बिना, और यदि आप उस प्लांट में जाएंगे, जैसे यहाँ बैठ के हमें जिस तरह की स्मेल आ रही है, खुशबू या जैसी भी आ रही है, वो वहाँ आप महसूस करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत की जो सपना है, जो कल्पना है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम अभी फ़िलहाल, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 20 शहरों में हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से करार कर चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं, और वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, हमारा ये क्रम स्वच्छ भारत अभियान के सपनों में एक कारगर माइलस्टोन के रूप में स्थापित होगा, ऐसा मेरा मानना है। चौथा कार्य हमने और मेरे भाई लक्ष्मी ने हाथ में लिया है कि किस प्रकार से हम गरीबों को कम दाम में घर
शेल्टर दिला सकें। उसका नाम हमने 2015 में अभी एक स्कीम लॉन्च की, आशा 2022। आशा के माने अफोर्डेबल शेल्टर एंड हाउसेस फॉर ऑल। हालांकि इसमें हमें अभी इतनी सफलता तो नहीं मिली है, क्योंकि जो गरीब आदमी उस घर में जाना चाहता है उसको उसके पास ही रोज़गार ज़रूरी है, आवश्यकता है। हम इस काम में लगे हैं, जल्द ही हमारी टीम इसमें कुछ न कुछ हल निकालेगी ताकि उसको घर और रोज़गार वहाँ साथ साथ मिल सकें, ऐसी हमारा सपना है। अभी मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी एवं देश के प्रधानमंत्री एवं आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में हम हमारे 90 वर्ष पूरे होने पर क्या कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। एक पहला जो हमारा कार्य है उसकी ये भी देखें, रोज नई धूप है, रोज नई छांव है, हम ही पूरा घर है, हम ही पूरा गांव है, हम हैं हिम्मत की मिट्टी से, हमारे आंगन पटे हैं, तुसी उत्थे असी इत्थे मोर्चे पे डटे हैं, हम हैं। कभी मुन्नी की बेस्ट फ्रेंड, कभी अम्मा की दवा है, तम तिरंगा हो लहरता हुआ, हम हवा है, हम हैं। सुकून है, हम सूखे में बरसात है, हर कीमत पर हर हालात में हम तैनात हैं, हम हैं। हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है, हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है, हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है, हर सांस में दम है, हम हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आर्मी बिहाइंड आर्मी। जब हमारा जवान सीमाओं पर लड़ता है या देश के अंदर आतंकवादियों से जूझता है तो ये महिलाएं घर में बैठकर उस जवान के माता पिता से लेकर उसकी सेवा करने से लेकर जाने क्या क्या चीज़ों से जूझती है, फिर भी मुस्कुराते हुए जब वो साल की छुट्टी पर आता है तो उसको स्वागत करती है। इसलिए हमारी संस्था ने महिलाओं को, जो आर्मी की महिलाएं हैं, देश में कुछ ऐसा वातावरण बनाएंगे, लोगों को प्रेरणा करेंगे अपने मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से वो जवान की आदत का आदर करते हैं उस तरह उन महिलाओं का भी थोड़ा आदर करना सीखें। इस प्रकार का प्रचार और प्रसार हम अपने मीडिया के माध्यम से करेंगे। अभी तक मैंने जो बातें की, इसके बाद ये छठा विषय इस प्रकार का है कि इस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में आपने बहुत से जन कल्याण के कार्य और उनकी योजनाएं लोगों में बनाई, पहुंचाने का प्रयास कर रही है सरकार। इससे पहले भी बहुत सी योजनाएं थी, लेकिन आपकी जो सोच कि इन योजनाओं का लाभ, आप बार बार अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इन योजनाओं का लाभ जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचाएं, इस पर काम करना है। इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपकी सरकार को और आपको बहुत साधुवाद देते हैं, और आपने इस दिशा में क्योंकि काफ़ी कदम उठाए हैं। आइए
एक हम ऑडियो विजुअल इसके विषय में भी एक मिनट का देखते हैं। अगर आजादी के बाद भी हमारे अधिकारों से अनजान हैं हम, तो आजाद नहीं हैं हम। आजादी मिलने के बाद भी अगर हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा की सहूलियत नहीं हो, तो आजाद नहीं हैं हम। इतने सालों के बाद भी अगर अपने कर्तव्य पालन से अनजान हैं हम, तो आजाद नहीं हैं हम। अगर आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं हम, तो आजाद नहीं हैं हम। लेकिन अब वक्त आ गया है इस अज्ञानता को पीछे छोड़ने का, कर्तव्य निभाने का, अधिकारों से परिचित होने का, पूर्ण स्वराज पाने का, क्योंकि पूर्ण स्वराज हक है हमारा। अगर आप में है कर्तव्य निभाने की ऊर्जा, हक पाने की चाहत, तो साथी बनेगा आपका मार्गदर्शक और दिखाएगा सही राह। साथी, एक जन सशक्तिकरण अभियान, जी मीडिया की पहल। इस अंत्योदय की इस आपकी चाह में हमने भी एक पायलट के रूप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो विषयों पर काम करने का एक पायलट आरंभ किया था। एक था कि राइट टू एजुकेशन, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल के मालिक कहिए या प्रिंसिपल कहिए, वो गरीब बच्चों को जल्दी से एडमिशन नहीं देते हैं। जब बच्चा जाता है तो उसको वो कह देते हैं कि हमारा कोटा पूरा हो गया है। एक तो वो विषय, और दूसरा अल्टरनेट लाइवलीहुड उन लोगों को जो स्कूल से निकल चुके, पूरी शिक्षा नहीं कर पाए, उनको कैसे दें। दोनों विषय को लेकर हमने एक प्रयास पायलट के रूप में आरंभ किया, और इस पायलट की सफलता से जो हमें मिली है, उस दो विषय से लेकर के हम पांच विषय ले पर ले जाना चाहते हैं। तीसरा है हेल्थ, चौथा वुमेन एम्पावरमेंट, और पांचवा सोशल जस्टिस। इन पांचों को लेकर हम पहले तो इन दो ही राज्यों में पूरा करेंगे, और सारथी जो एक आप देख रहे हैं, एक याचक और जो उसका हल करने वाला है, उन दोनों के बीच की कड़ी बनने का प्रयास कर रहा है। जब कोई हमारे यहाँ जब कोई चैलेंज सीकर, इनको हम बोलते हैं, जिसको समस्या का अपना समाधान चाहिए, तो सीकर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर। देश में हमारे बहुत सी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं इस काम में, तो जब वो व्यक्ति कॉल करता है तो हम दोनों को मिला देते हैं, और उसी के गांव या तालुका में वो सामाजिक सेवा संस्था काम करती हैं। तो इसको हम चार चरणों में 2020 तक पूरे देशव्यापी इस योजना को कर पाएंगे। और अभी अगर आप चार पांच स्लाइड में इसको देखेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारा प्रयास ये एक पहला मौलिक प्रयास या पायनियरिंग एफर्ट हम लोग के इस देश में एक मीडिया कंपनी पहली बार कर रही है। मैं अभी चाहूँगा कि जी मीडिया की टीम, निताशा अग्रवाल, महराज और इरविन, एक संस्था है जिनके राजीव और प्रभा, इन्होंने रातों दिन काम किया, वो यहाँ आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस योजना का बटन दबवाकर इसका विधिवत उद्घाटन कराएं और देश को समर्पित करें।
बच्चे को पास वाले स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मुझे नौकरी चाहिए। हेलो सारथी, मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही। हेलो सारथी, मुझे स्किल ट्रेनिंग चाहिए। नमस्कार, हम सारथी से बोल रहे हैं। सारथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जरूरतमंद लोगों को सही संस्थाओं से जोड़ने का काम करता है। जब तक आपको पूरी मदद नहीं मिल जाती, हम आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। सारथी की कोशिश है कि देश के सभी लोगों तक पूर्ण स्वराज पहुंचे और उसके लिए हम हर संभव मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। सारथी, एक जन सशक्तिकरण अभियान, जी मीडिया की पहल। धन्यवाद। आज हम वियोन नाम के एक टीवी स्टेशन की औपचारिक रूप से देश को समर्पित करेंगे। यह टीवी स्टेशन पिछले 3 महीनों से अपना टेस्ट सिग्नल तो चालू करके रखे हुए था, फिर आप कहेंगे उफ ये एक और चैनल। तो दोस्तों, ये जो आज जितने चैनल हैं उनमें से एक नहीं है। इसके पीछे हमारी जो कल्पना मैंने 12-13 वर्ष पहले सोची थी कि क्यों ना भारत का एक ऐसा अपना माध्यम हो जो पूरे विश्व में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर है उसको चिंता में करके पूरे विश्व की न्यूज़ को यहाँ पे लाए और हमारी जो बातें हैं वो पूरे देश के मेन स्ट्रीम लोगों तक। हमारे अपने लोग तो ठीक हैं, उनके पास तो और भी हमारे न्यूज़ के चैनल विदेशों में पहुँचते हैं, हमारा भी 170 देशों में है, लेकिन हम चाहते हैं कि अमेरिका में एक अमेरिकन व्यक्ति, यूरोप में एक यूरोपियन व्यक्ति इसको देखे और इसको भारत की एक सॉफ्ट पावर की जो योजना हम लोगों के अपने मन से हमने सोची है वो पहुंच सके। और वियोन याने आप एक तो मानना है कि वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़, पर दूसरा जिस प्रकार से हम उसका उच्चारण करते हैं, वी ओन, यू ओन, इंडिया ओन्स दिस नेटवर्क। और इसी की इस ऐसे कार्यक्रम को चलाने की जो योजना है ये कोई प्रॉफिट करने के लिए नहीं है, ये केवल अपने देश और समाज का सब लोगों के पास पहुंच सके इसके लिए एक योजना है। इसीलिए हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सबसे इसमें आहुति डालने की एक प्रार्थना की है। इसको मैं एक मिनट में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के सामने देश को समर्पित करना चाहूँगा। For years now, news is what the foreign networks brought to your drawing rooms. News that is buried in the noise of propaganda. That comes colored with the borders it belongs to. And so it was time that a global voice from India to take center stage. Presenting We On, World is One News. Because we truly believe that what affects the world affects us all. Londoners say they're concerned about the terror threat. This is a time when, call it Islamophobia or call it an extreme right-wing mood. Global icons chose us to go exclusive with their thoughts. This Hafiz Saeed issue is an issue in India, all right, not in United States. In Pakistan, we don't call him a terrorist. The Prime Minister of India did the right thing. And it was in that spirit of his rightness. Bölgede Hindistan bizim dostumuz. Our relationship with India is different from our relationship
with China. Friendship with India is quite special. We were there when Trump took charge of the United States. They get checked in, they get registered, they get their paper ballot, move to one of those polling stations there in the back, and cast their vote for who they want. Congratulated us, it's about us, on our victory. When Britain went through the tumult of Brexit. For economy, it's the best to stay. When the ice sounds like, this is fighting. We On is the first and only channel to report from Balochistan. Violence, bomb blasts and targeted assassinations have cut a bloody swathe through Pakistan. Hundreds of Shias are buried in this graveyard who were target killed in the city of Quetta and across Balochistan province. We On has been tracking consistently, sentencing one-time Indian naval officer and then private businessman Kulbhushan Jadhav to death. India has welcomed the International Court of Justice order asking Pakistan to put on hold the execution of Indian national Kulbhushan Jadhav. Oh my God! We On brought you ground reports from the Kashmir turmoil. I don't even tell you out! Why didn't you tell me out? This is a Taliban invasion. This is nonsense. That what? I don't understand how long it's going. God does not change the condition of a people until they change what is inside themselves. We On brought you the French presidential elections from the ground. As France goes to the polls, We On gives you continuous coverage of the French presidential elections. And the entire planet joined hands for conservation. For a discussion of the challenges our planet faces and the opportunities that exist to save it, during 24 hours of reality, the road forward on We On. World is One News. Some finest international minds share their views on our shows. Every individual is equal to find his own truth. North Korea has the nuclear capability. WikiLeaks is always targeting the United States. Russian interference in U.S. elections. The second term of Mr. Obama was disastrous. We On, the go-to channel for the global voice of India. In Dhaka, We On, London. From Islamabad. From Erbil, Iraq. Because the world gets a voice when India talks. And India talks to the world through We On. Because what affects the world affects us all. We On, World is One News. धन्यवाद. ऐसे तो हमारा परिवार 90 वर्षों से और अधिक से ही समाज के देश के काम करता आया है. कुछ कामों की आपको जानकारी भी है. एकल इत्यादि कई चीज़ें हैं. बहुत सी चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग चाहते हैं कि हम उसकी पब्लिसिटी ना भी करें. परंतु आज एक विशेष प्रकार की संस्था DSC फाउंडेशन के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. मैं इस संस्था का क्या काम होगा और वो कैसे करेगी, इसको यदि संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे. ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिलों की फितरत है कि खुद चलकर नहीं आती. तो इस तरह से जो भी समस्या हमारे देश के नागरिकों के समाज के सामने पीछे अभी तक आती रही हैं या आगे आएंगी, उनको एक नई लकीर पे चलकर नया समाधान ढूंढना, और उस लकीर पर चलेंगे तो एक का एक ही लाभ होगा, एक के सामने एक का ही लाभ मिलेगा. लेकिन इस नए रास्ते से हम 10 या 100 गुना लाभ ले सकें, इस DSC फाउंडेशन का काम उसको पहुंचाना होगा. और समाज में अपनी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति लोगों में पैदा करनी होगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, ये हम सबका मानना है. दोस्तों,
हम सब ने आज तय किया कि अपनी संपत्ति का कुछ एक भाग हम चारों भाई प्रधानमंत्री जी के हाथों देकर इस डीएससी फाउंडेशन का एक फॉर्मल उद्घाटन करें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार 5,000 करोड़ रुपए इस डीएससी फाउंडेशन को प्लेज करता है और हमारे चारों भाई हम वो उनको समर्पित करेंगे और ये संपत्ति की राशि डीएससी फाउंडेशन की जो पहली चीफ प्रोग्राम मैनेजर है उसको सौंप कर इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसको कामयाब होने में इसका आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। वो नहीं नहीं आप रखिए, आपके हाथ में रहेगा, वो महिला आ रही है। आइए भाई, चलो साइड में हो जाओ। भाग तो क्यों। श्वेता अपर माया, तो साथियों यही था मेरा, थोड़ा आज का लंबा भाषण हो गया उसके लिए क्षमा, और आगे का काम कार्यक्रम सुधीर के हाथ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। वियोन सारथी और डीएससी फाउंडेशन, ये तीनों ही अपने आप में नई पहल हैं और हम उम्मीद करते हैं ये तीनों ही देश और समाज को बदलने में एक सार्थक भूमिका निभाएंगी।